हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो दोस्तों आज हम सब पढ़ने वाले हैं साइन 18 अंश का मान कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, मान लिया गया थीटा बराबर, यानी माना थीटा बराबर 18 अंश, इतना मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5 से गुणा करेंगे। तो 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 थीटा इज इक्वल टू 18, 5 जा 90 हो जाएगा। अब 5 थीटा को हम 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं, तब भी तो 5 थीटा होगा। अब इसको तोड़ देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 थीटा है इसको हम पक्षांतर कर देंगे इधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, इतना हो गया। अब हमें किसका मान निकालना है, साइन 18 अंश का। तो हम दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे। यहां पे लिखेंगे साइन लेने पर, साइन लेने पर जो साइन ले तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा, ये हो गया। यहां साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, हमारा सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 3 थीटा, इतना हो गया। आगे चलते हैं, अब यहां पे भी फॉर्मूला आएगा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन इनटू कॉस थीटा, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला होगा। तो यहां साइन 2 थीटा के स्थान पे ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 साइन इंटू कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं इसका टू कॉस 3 थीटा बराबर क्या होगा, इसका भी सूत्र होता है कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये सब सूत्र हैं। अब यहां पे देखिए cos 3 थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं, यहां पे लिखते हैं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें cos है, इसमें cos है, cos हम कॉमन ले लेते हैं, यहां क्या हो जाएगा, 2 sin इनटू cos थीटा इक्वल टू, यहां पे हम cos कॉमन ले लिए cos थीटा, तो यहां क्या बचा, 4 cos, यहां हो गया स्क्वायर थीटा माइनस 3, इतना हो गया। देखिए दोस्तों यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है, कॉस कॉस कट गया, यहां क्या बचा, 2 साइन इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये बचा। तो देखिए दोस्तों अब आप देखिए यहां पे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है। साइन को इधर पक्षांतर कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहां कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, यहां आगे क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये हो गया। आगे देखिए 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, 4 वन जा 4, 4 से साइन स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये हो गया 2 साइन थीटा इक्वल टू, 4 में से 3 गया बचा 1, यहां क्या हो जाएगा, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचा, प्लस 1। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे माइनस है, इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, अब ये क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, इसको इधर लेके आएंगे प्लस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1, इतना हो। अब देखिए दोस्तों इसको हम गुणनखंड करेंगे तो हो नहीं पाएगा, तो इसको हम श्री धराचार्य के सूत्र से लगाएंगे, तो उसका सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू ए, ये हमारा सूत्र होता है। तो इसमें ए बराबर कितना है, ए बराबर चार है, वी इक्वल टू टू और सी माइनस वन। अब इस पर रख देते हैं, बी बराबर कितना है माइनस टू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी टू का वर्ग, टू टू जा फोर माइनस, अब देखिए फोर ए सी है, फोर ए कितना है फोर, तो फोर फोर जा सिक्सटीन और सी कितना है वन, तो सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा सिक्सटीन। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, फोर गुणे ए हमारा क्या है फोर और सी क्या है माइनस का वन है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, बटा टू है टू ए बराबर कितना है हम लोग का फोर, ये है आगे सॉल्व करते हैं माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट फोर माइनस माइनस प्लस फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन अपॉन फोर टू जा एट, ये हो गया। अब देखिए फोर सिक्सटीन और फोर कितना होगा ट्वेंटी, तो माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेंटी अपॉन एट, यहां से दो बाहर निकल जाएगा क्योंकि टू टू जा फोर और फाइव अंदर बच जाएगा, टू टू जा फोर फाइव जा ट्वेंटी होता है, तो माइनस टू प्लस माइनस टू बाहर निकाल दिए यहां पर बचा फाइव, अगर आप बोला टू टू जा फोर फोर फाइव जा ट्वेंटी आ जाएगा अपॉन एट। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे टू कॉमन ले लेंगे, यहां से टू कॉमन ले लेंगे, तो यहां जब टू हम कॉमन ले लें तो यहां बचा माइनस वन कर ली पांच बटा एट कट गया, टू वन जा टू, टू टू जा टू फोर जा एट, तो यहां क्या बच गया अंडर रूट फाइव, वन इधर कर दिए माइनस वन बटा फोर, ये हम लोग का साइन एटीनस का मान है। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तब तक के लिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।